सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गाइस रॉकस्टार कंपनी के ऊपर, भाई जो गेम बनाती है, जिसने GTA 5, वॉइस सिटी और GTA San Andreas, बुली, रेड डेड रिडेम्पशन, इतने ज़बरदस्त खतरनाक गेम बनाए और भाई वो सभी गेम सुपर हिट हुए हैं भाई। और भाई ऐसा क्या कर रही है भाई जो रॉकस्टार कंपनी है, जो भाई इतने ज़्यादा हिट गेम बना रही है, आज वो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सॉरी, आप जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्या कर रही है भाई रॉकस्टार कंपनी, जो भाई इतने ज़्यादा हिट गेम बना रही है। पहला पॉइंट है गाइस, रॉकस्टार कंपनी है वो अपने गेम्स में भाई ओपन वर्ल्ड मैप देती है। पहली चीज़ आप देख सकते हो GTA 5, वॉइस सिटी, रेड डेड रिडेम्पशन, बुली, भाई आप कोई भी गेम उठा लो उसमें आपको एक ओपन वर्ल्ड मैप देखने के लिए जरूर मिलेगा। और ओपन वर्ल्ड मैप के अपने ये फ़ायदे हैं कि आप गेम की स्टोरी जब कंप्लीट हो जाती है तब भी आप गेम को है वो खेलते हो, आप अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, मैप में बहुत सारी जगहों पर ट्रैवल करते हो, तो ये चीज़ भाई गेम में एक अलग तरीके से जो है यूज़र को एंगेज कर रखती है। सो गाइस, इसलिए जो है ओपन वर्ल्ड मैप्स को लोग खेलना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि स्टोरी कंप्लीट होने के बाद भाई लोग, आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो यूज़र्स हैं GTA 5 खेलते हैं, उन्हें ज़्यादातर स्टोरी की बजाय बहुत सारे लोग हैं वो गोली मारना या मैप को ही ज़्यादातर एक्सप्लोर करते हैं। सो GTA 5 में सबसे बड़ा या GTA गेम्स में सबसे बड़ी चीज़ है वो है उनका ओपन वर्ल्ड मैप का जो एक्सपीरियंस कराना यूज़र को। कई GTA जो गेम्स हैं, जो रॉकस्टार कंपनी है, वो ओपन वर्ल्ड का जो यूज़र्स का एक्सपीरियंस हो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देती है और ये चीज़ भाई मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा पॉइंट है गाइस हाई ग्राफिक्स। तो भाई GTA और भाई रॉकस्टार कंपनी के हर गेम के भाई ग्राफिक्स तो भाई बहुत ज़बरदस्त होते हैं। आपने रेड रिडेम्पशन हाल ही में जो आया है रॉकस्टार कंपनी का, उसके ग्राफिक देखो भाई क्या ही ज़बरदस्त है। और भाई वहाँ पर तो ग्राफिक्स के बाद आप एनिमेशन भी देख सकते हो, वहाँ पर भाई एनिमेशन नहीं बल्कि लोग असल में काम कर रहे होते हैं। जब गेम स्टार्ट होता है तो कुछ रेलवे ट्रैक बनना स्टार्ट होते हैं रेड रिडेम्पशन में, और जैसे जैसे गेम एंड होता है तो भाई वो रेलवे ट्रैक्स बनकर रेडी हो जाते हैं। भाई गेम में कितनी रियलिटी है और कितनी सारी रियल चीज़ों को जो है रॉकस्टार कंपनी जो है वो ऐड करती है, जिससे हमारा जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है यूज़र्स का वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है और हम गेम को और अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं। और भाई तीसरी चीज़ है जो रॉकस्टार कंपनी भाई जो प्रोवाइड करती है बेस्ट गेम प्ले एक्सपीरियंस के साथ, वो है भाई स्टोरी का होना गेम में। आप भाई GTA San Andreas भाई कितना पुराना गेम है, आप उसकी स्टोरी को उठा के देखो भाई क्या ही ज़बरदस्त स्टोरी थी गेम की। आप रेड डेड रिडेम्पशन की स्टोरी को उठा के देखो भाई गेम में क्या ज़बरदस्त स्टोरी है। भाई जब रेड डेड रिडेम्पशन खेला भाई मैंने, लास्ट का एंड वाले सीन्स तो भाई बहुत ज़बरदस्त इमोशनली भाई ब्लैकमेल कर देते हैं एक टाइप से। भाई बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है इन गेम्स की, वॉइस सिटी की स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, बुली की स्टोरी भी बहुत अच्छी है भाई, जिसमें आप एक स्कूल में छोटे बच्चे होते हो और कैसे कैसे वहाँ का माहौल होता है और कैसे आप वहाँ पर अपने सर्वाइव करते हो, कैसे गेम को इंजॉय करते हो, वो सब कुछ उस गेम में दिखाया गया है। तो गेम के मामले में और स्टोरी लाइन के मामले में भाई GTA 5 की स्टोरी आप देख सकते हो, जैसे कि वहाँ पर तीन करेक्टर्स को दिखाया गया है, फिर उनके साथ आप उसके कनेक्शन हैं उनके, फिर वो मिलकर रोड भी करते हैं, वो चीज़ें कितनी ज़बरदस्त हैं। सो भाई यही चीज़ें हैं जो है रॉकस्टार कंपनी को तो बाकी की जो गेमिंग इंडस्ट्रीज हैं उनसे अलग करती है, क्योंकि कुछ हटकर ट्राई करते हैं। बाकी सभी जो कंपनियां हैं उनकी तरह बिल्कुल सेम नहीं करते, वो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं अपने हर एक गेम में। और लास्ट और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज वो है रॉकस्टार कंपनी की, वो है मोड्स का होना भाई गेम में। भाई हम गेम की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है लेकिन उसके बाद भाई गेम्स में जो मोड्स लगा लगा कर हम अपनी खुद की स्टोरी बनाते हैं, जैसे GTA 5 में, और भाई बाकी का गेम्स में भी मोड्स होते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाई जो रॉकस्टार कंपनी जो ओपन वर्ल्ड मैप बनाती है उनमें जो मोड्स लगते हैं भाई वो एक अलग तरीके का अलग ही एक्सपीरियंस कराते हैं भाई, उस एक्सपीरियंस का आप मतलब बाकी गेम्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है अभी तक। और यही कुछ चीज़ें हैं भाई जो रॉकस्टार कंपनी है जो दूसरी चीज़ों से अलग है, कि भाई आप मोड लगा कर गेम में क्या कुछ नहीं कर सकते, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हो। इसलिए भाई GTA 5 आप देख सकते हो 2013 में आया था और अब 2023 आ चुका, लगभग 10 साल हो चुके हैं और GTA 5 का क्रेज़ अभी तक डाउन नहीं हुआ है, GTA 5 का क्रेज़ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और भाई मोड्स के ऊपर मैं अलग से एक डिटेल में भी वीडियो बनाने वाला हूँ,
ऐसी इंफॉर्मेटिव गाइस वीडियो देखने के लिए प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।